किसान सम्मान निधि के बाद देश के किसानों को मिलेगा किसान मानधन योजना का लाभ। 60 साल की आयु के बाद वे भी सम्मान के साथ जी सकते हैं। शरीर जब ज्यादा काम करने के लिए मदद न करता हो उस समय कोई सहारा मिल जाए, वैसी पेंशन योजना को भी लागू करने का काम कर दिया है। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्रीन टीवी, मैं हूं स्मिता सिंह। और खुशी की बात है कि मोदी सरकार द्वारा पहले कार्यकाल के अंतरिम बजट में घोषित हुई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए दिए जाएंगे। और अब दूसरे कार्यकाल के शुरू में हुई एक ऐतिहासिक पेंशन योजना की घोषणा, पीएम केएमवाई यानी कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इस योजना के तहत देश के 5 करोड़ लघु व सीमांत किसानों को वृद्धावस्था में यानी 60 साल की उम्र से जीवन पर्यंत प्रतिमाह 3,000 रुपये बतौर पेंशन दिए जाएंगे। योजना की पूरी जानकारी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने ग्रीन टीवी के यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए और अपने परिचित किसानों को भी ग्रीन टीवी देखने के लिए कहिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी कृषि से संबंधित हर विषय की पूरी जानकारी। और आज की जानकारी है किसान पेंशन स्कीम पर। आज़ादी के 7 दशक में ये पहली बार हुआ है जब सरकार द्वारा किसानों को पेंशन सुविधा देने के लिए किसी योजना की शुरुआत की गई है। किसान मानधन योजना 18 से 40 साल की उम्र तक के किसानों के लिए स्वैच्छिक पेंशन स्कीम है। इसमें लगने वाले प्रीमियम यानी कि प्रतिमाह किश्त को किसान अंशदान के रूप में देगा, जिसके तहत किसानों को उम्र के मुताबिक 55 रुपए से लेकर 200 रुपए तक प्रतिमाह कंट्रीब्यूशन यानी कि अंशदान देना होगा। अंशदान यानी प्रीमियम की राशि निर्भर करेगी आवेदक की उम्र पर और किसान को ये राशि 60 साल की उम्र तक जमा करनी होगी। अच्छा, जितना अंशदान किसान द्वारा दिया जाएगा हर महीने पेंशन निधि में उतनी ही राशि का सहयोग सरकार द्वारा भी किया जाएगा। अब बताती हूँ आपको कि 18 से 40 वर्ष की उम्र तक उम्र के मुताबिक आपको कितनी कितनी राशि का अंशदान करना होगा। अगर स्कीम लेते वक्त आवेदक की उम्र 18 वर्ष है तो आपको 60 वर्ष की उम्र तक हर महीने 55 रुपए का अंशदान करना होगा। इतनी ही रकम हर महीने सरकार की तरफ से भी पेंशन फंड में डाली जाएगी। अगर योजना लेते वक्त उम्र 19 साल की है तो अंशदान की रकम हो जाएगी 58 रुपए प्रतिमाह। 20 साल की उम्र है तो 61 रुपए प्रतिमाह। 21 साल की उम्र है तो 64 रुपए। 22 साल की उम्र के लिए 68 रुपए। 23 साल की उम्र के लिए 72 रुपए। 24 वर्ष की आयु होगी तो 76 रुपए। 25 साल होगी तो 80 रुपए। 26 वर्ष की अगर आप हैं तो 85 रुपए। 27 साल की उम्र है तो 90 रुपए। 28 साल की उम्र में 95 रुपए। योजना लेते वक्त अगर आपकी उम्र 29 साल की है तो 100 रुपए। 30 वर्ष की अगर आयु है तो 105 रुपए। 31 साल की उम्र है तो 110 रुपए। 32 साल की उम्र होगी तो 120 रुपए। 33 वर्ष पर 130 रुपए। 34 साल की उम्र होने पर 140 रुपए। 35 साल की उम्र होने पर 150 रुपए। 36 वर्ष की आयु है तो 160 रुपए। 37 साल की है तो 170 रुपए। 38 साल की उम्र होने पर 180 रुपए। 39 साल की उम्र पर 190 रुपए। और 40 वर्ष की उम्र अगर आपकी है तो 200 रुपए प्रतिमाह आपको देने होंगे। और 40 वर्ष की उम्र से लेकर 60 वर्ष की उम्र होने तक प्रतिमाह आपको 200 रुपए ही अदा करने होंगे। और जैसा मैंने आपको बताया कि उम्र के मुताबिक प्रतिमाह जितनी रकम आप देंगे उतनी ही राशि सरकार की ओर से भी पेंशन फंड में डाली जाएगी। किसान दंपत्ति अगर चाहें तो अलग अलग भी इस पेंशन स्कीम का लाभ ले सकते हैं। और 60 वर्ष की उम्र पूरी होने पर पति और पत्नी अलग अलग प्रतिमाह 3,000 रुपए पेंशन पाने के हकदार होंगे। इस योजना में भारतीय जीवन बीमा निगम पेंशन निधि प्रबंधक का काम करेगा, यानी किसान को पेंशन देने की पूरी जिम्मेदारी भारतीय जीवन बीमा निगम की होगी। मान लीजिए कि रिटायरमेंट डेट से पहले यानी 60 साल की उम्र होने से पहले ही किसान की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में परिवार का कोई दूसरा सदस्य जो इसमें नॉमिनी हो इस स्कीम के बचे हुए अंशदान का भुगतान करके योजना को जारी रख सकता है।
और अगर पति और पत्नी दोनों ने ये स्कीम ली हुई है लेकिन 60 साल की उम्र होने से पहले दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो दूसरा व्यक्ति मृतक की स्कीम को जारी रखना अगर नहीं चाहता तो ऐसी स्थिति में किसान की मृत्यु होने की तारीख तक जितनी राशि पेंशन फंड में जमा कराई गई होगी पूरी रकम ब्याज के साथ पति या पत्नी जो भी जीवित होगा उसे वापस दे दी जाएगी। और अगर लाभार्थी व्यक्ति शादीशुदा नहीं है और 60 साल की उम्र से पहले उसकी मौत हो जाती है और परिवार का कोई दूसरा व्यक्ति इस योजना को जारी रखना नहीं चाहता तो ऐसी स्थिति में किसान द्वारा जमा की गई पूरी रकम ब्याज सहित किसान के नॉमिनी यानी नामित को दे दी जाएगी। अच्छा, अगर किसान की मृत्यु 60 साल की उम्र के बाद होती है तो ऐसी स्थिति में पति या फिर पत्नी उस पेंशन का आधा हिस्सा यानी प्रति माह 1500 रुपए पारिवारिक पेंशन के रूप में पाने के हकदार होंगे। और क्योंकि ये योजना लघु व सीमांत किसानों के लिए है इसलिए इस योजना का लाभ सिर्फ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 2 हेक्टेयर या फिर इससे कम जमीन है। जो किसान पीएम किसान सम्मान योजना के लाभार्थी हैं ऐसे किसान उस योजना से मिलने वाली रकम से भी बीमा योजना के अंशदान की राशि को जमा कर सकेंगे। अगर किसान समय पर अंशदान की राशि का भुगतान नहीं करते तो ऐसी स्थिति में लाभार्थियों को स्कीम जारी रखने के लिए निर्धारित ब्याज दर के हिसाब से भुगतान करना होगा और फिर वो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर कोई किसान पेंशन स्कीम लेने के बाद इसे बंद करना चाहता है तो कम से कम 5 वर्ष तक स्कीम को चलाना होगा, उसके बाद आप इसे बंद कर सकते हैं। ऐसे किसान को स्कीम बंद कराने के बाद उसकी जमा राशि जीवन बीमा निगम द्वारा सेविंग रेट की ब्याज दर सहित वापस दे दी जाएगी। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का प्रारंभिक नामांकन CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर में हो रहा है। कुछ वक्त के बाद नामांकन के लिए अन्य विकल्प जैसे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आदि की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। फिलहाल CSC द्वारा किए जा रहे नामांकन के लिए किसान को कोई शुल्क अदा नहीं करना। हाँ, CSC हर नामांकन के लिए 30 रुपये का शुल्क ले रहा है जो सरकार अदा करेगी। ध्यान रहे, योजना के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों के पास बतौर दस्तावेज अपनी कृषि की पूरी जानकारी होनी चाहिए, जैसे खेत या जमीन के दस्तावेज, खुद का आधार कार्ड, जनधन खाते की डिटेल, मोबाइल नंबर जो बैंक खाते और आधार के साथ लिंक हो। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का मकसद है पहले 3 साल में देश के 5 करोड़ किसानों को इस योजना का लाभ देना। इस योजना से सरकारी खजाने पर 10,774.5 करोड़ का सालाना बोझ पड़ेगा, लेकिन देश के किसान वर्ग का बुढ़ापा सुरक्षित हो जाएगा। बुढ़ापे में भी किसान सम्मानजनक जीवन जी सके और कोई आर्थिक समस्या उसे ना झेलनी पड़े, इसके लिए सरकार द्वारा शुरू की गई ये योजना वाकई सराहनीय है। आशा है कि देश के सभी किसान परिवार इस योजना के महत्व को समझेंगे और इसका लाभ लेंगे और सुरक्षित, स्वावलंबी और सम्मानजनक बुढ़ापा व्यतीत करेंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें। कृषि और किसान सशक्तिकरण की इस मुहिम को सफल बनाने में आप भी ग्रीन टीवी को सहयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी आप ग्रीन टीवी को सहयोग कर सकते हैं।